सी बंद हो गए। देखा क्या? वो सर वो उसको थोड़ा काम था तो चला गया सर। अरे हाँ तो बताया था उसने। अगर अभिजीत ये दिन भर का धोखा फरेब खून खराबा देख कर रहे ना, जिंदगी से विश्वास उठने लगता है, फिर ऐसा संगीत सुनकर सुकून मिलता है। सर इतना पुराना क्लासिक रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिला? बोलिए, इसे पुराना रिकॉर्ड मत कहो, बहुत कीमती है मेरे लिए ये, बहुत कीमती है, क्योंकि ये मुझे मेरे बेटी ने दी है। बेटी? हाँ, बेटी ने, मेघना नाम है उसका, गिफ्ट दिया है मुझे ये मेरे बर्थडे पर। ये मेघना है ना, मैं अपने आप को नहीं मार सकती। नहीं, मैं ये क्या करने जा रही थी, मैं अपने आप को नहीं मार। देखो मैं ये क्या करने जा रही थी, मैं अपने आप को ही मार रही थी। देखो देखो मैं अपने आप को मार रही थी। मैं अपने आप को नहीं मार सकती, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं दरवाजा तो लॉक है, जाएगी कहाँ? फोन लगाता हूं मेघना को, बहुत दिनों से बात नहीं की उससे, तुम भी बात कर लो। इतनी रात के बिजी, चलो फिर से देखते हैं। मुझे बचा लीजिए प्लीज। मेघना मेघना क्या हुआ? शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ? वो मुझे मार देगा। अरे कौन मारेगा तुम्हें? मैं हूं ना इधर, बताओ मुझे कहां से बात कर रही हो तुम? हाँ गुरु के आश्रम। एक मिनट, हेलो मेघना। अरे ये देखा, कोई बड़ा प्रॉब्लम है। महागुरु का आश्रम सर, वो तो 10-12 किलोमीटर दूर है।
इसको। प्लीज हटिए हटिए हटिए। माय गॉड, मर चुकी है। मेघना मर चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है, मेघना यहां क्या कर रही थी आश्रम में इन लोगों के साथ? ये तो बेचारे किसी बाबा विवाह पर विश्वास ही नहीं करती थी। समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ? सर, 15 दिन पहले मेघना महागुरु की शरण में आई थी, डिप्रेशन की शिकार। इसके पैर की हड्डी चेक कर लो। सर, पैर की हड्डी तो ठीक है। और उसने आश्रम की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे हो ही नहीं सकता। मेघना अपनी जान क्यों लेगी? उसने तो मुझे फोन करके बताया था कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। कंधे की हड्डी चेक कर। कंधा तो टूट गया है। उसे मारा है किसी ने, जरूर मारा है। आप सही कह रहे हैं सर, आत्महत्या नहीं है, मर्डर है सर, मर्डर। अगर कोई आत्महत्या करने के लिए कूदता है तो पैर के बल नीचे आता है, पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, मुंह की हड्डी टूट जाती है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। कंधे की हड्डी चूर चूर हो गई है सर, पीठ के बल के लिए। मतलब मेघना को किसी ने धक्का दिया है। अभिजीत, काम करो, ऊपर जाके अच्छी तरह से तलाश लो, देखो। हाँ? मैं इसके पिताजी को इन्फॉर्म करता हूं।
गुरु जरा इसको उठाना। ये यहां से टूटी है डाली, मतलब साफ है ये मर्डर ही है, आत्महत्या नहीं है। वो कैसे सर? देखो, अगर मेघना ने आत्महत्या की होती और वो यहां से कूदी होती और लास्ट मोमेंट में उसने बचने का सोचा होता तो उसने ये टहनी इस तरह पकड़ी होती और नीचे गिरी होती। उस हालत में ये पत्तियां मुट्ठी के ऊपर की तरफ होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब साफ है, मेघना यहां पे खड़ी थी और कोई उसे धक्का देता और बचने के लिए अगर उसे डाली पकड़नी होती तो ऐसे। ये पत्तियां उसके मुट्ठी के नीचे की तरफ होनी चाहिए और ऐसा ही हुआ है। याद है मेघना की मुट्ठी में पत्तियां नीचे की तरफ थी, मतलब साफ है ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर। ईश्वर उस बच्ची की आत्मा को शांति दे। जैसे ही उस बालिका की दुखद निधन का समाचार सुना, हमने अपनी नासिक यात्रा बीच में ही समाप्त की और फौरन लौट आए। बहुत पीड़ित थी बेचारी। तो आप हैं महागुरु आत्मानंद जी? हम तो केवल आत्मानंद हैं। महागुरु परम गुरु वो है। महागुरु, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मेघना यहां पे क्या कर रही थी? शांति की खोज इंसान को हिमालय पर्वत तक पहुंचा देती है। हमारे आश्रम में उसका आना कोई बड़ी बात नहीं है। मानसिक तनाव से घिरी हुई थी पर अब मुक्ति मिल गई बेचारी को। ईश्वर सबका भला करे। गुरुजी, आप थोड़ी देर पहले इस छत पे आए थे क्या? जी नहीं। तो फिर आपके हाथ पे यहां छत के मुंडेर का चूना कैसे लगा? आश्रम में अभी सफेदी करवाई थी, लग गया होगा। क्या पता चला? बस आप लोगों का शक एकदम सही था। मेघना ने आत्महत्या नहीं की, इसका खून ही हुआ। अच्छा, ये तुझे कैसे पता चला? बस इसके दाएं हाथ की ये बीच वाली उंगली में मुझे इंसान की चमड़ी का अंश मिला है और ये चमड़ी मेघना की नहीं, किसी और की। मतलब उन्हीं और मेघना के बीच में हाथापाई हुई हो। शायद उन्हीं के चमड़ी का अंश मेघना के नाखूनों में रह गया। हाथापाई तो हुई है अभी। ये देखो, मेघना के कपड़ों पे सामने की तरफ ये जो नीचे खून के छींटे हैं, ये खून मेघना का नहीं, ये खून उसी इंसान का है जिस इंसान की चमड़ी मेघना की उंगली में मिली। सर, यानी कि खूनी कोई एक ही है? बिल्कुल सर, इस चमड़ी का और इस खून का डीएनए मैच होता है। और कुछ? हाँ सर, मेघना के खून में से हमें बेंजीन और अल्कोहल जैसे नशीले केमिकल्स भी मिले और ऐसे केमिकल्स से अक्सर इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेघना नशीली ड्रग्स ले। मेघना ने जिंदगी में कभी ड्रग नहीं लिया था, जरूर उसे किसी ने धोखे से ड्रग दिया है। धोखे से?
ये मेघना का कमरा है, इधर देखो, चेक करो कुछ मिलता है कि नहीं। सही चाकू मिला? कहाँ बताया चाकू? मेघना के बेड के पीछे। आह, इस चाकू पे जो उंगलियों के निशान हैं, उसे चेक करवाओ। हैंडीकैम? फ्लावर वास में ये टेप इसलिए है ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे यहाँ आने का मकसद दुनिया से छिपा ना रहे। मैं इस आश्रम में एक भक्त बनकर आई हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि इस आश्रम में लाखों करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और इस काले धन के पीछे कौन है यही जानना मेरा मकसद है। और इसी मिशन के लिए मैं यहाँ। कोई आ रहा है? कोई आ रहा है? तो ये था मेघना का मिशन, और दुनिया उसे मानसिक तौर पे बीमार समझ रही है। वही तो दया, मेघना का ये मकसद, उसकी कहानी हम दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगे। आ, आ, आ। ये तो महागुरु आत्मानंद है। हाँ मैं, हमने सब कुछ सुन लिया है बेटा। मुझे जाने दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने दें? अब जब तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है कि तुम तो यहाँ जासूसी करने आई हो। माय गॉड, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। सही गलत का फैसला तो वो करता है, लेकिन अगर तुम्हें सही गलत की इतनी ही पड़ी है तो जाकर पूछ लो उससे। भेज दे तुम्हें ऊपर, हमने जो तुम्हें नशीली दवाइयां दी हैं वो तुम्हारा दिमाग खोलने में सहायता करेगी कि तुम्हें करना क्या है, जीना है या मरना है। पकड़ लो इसे, ले लो ले लो ले लो। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। सर इसके आगे ब्लैंक है। मेघना को मारने की धमकी महागुरु ने ही दी थी, मेघना के शरीर में ड्रग्स भी उसी ने दिए थे। हाँ सर, मेघना को उसी ने मारा होगा महागुरु ने। ठीक कह रहे हो दया, खून के धब्बे और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मैच हो चुकी है, और चाकू पर लगे हुए खून के निशान तो सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, महागुरु आत्मानंद। महागुरु आत्मानंद। आज के इस सनसनीखेज खुलासे में सीआईडी द्वारा देश के जाने माने महागुरु आत्माराम को क्राइम रिपोर्टर मेघना मलिक की हत्या में गिरफ्तार किया गया। महागुरु जी की, 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 महागुरु जी की। पर सीआईडी को पूरा यकीन है कि मेघना मलिक की हत्या के पीछे महागुरु ही है। महागुरु जी की, महागुरु जी की। अब साजिश है ये, साजिश है ये। महागुरु जी को फंसा रहा है कोई। गेट मी द पुलिस कमिश्नर राइट नाउ। तो मेरी एक सलाह है आपको, अभी इस केस में आप किसी से कुछ ना कहें। ये मामला बहुत गर्म है सर, 3 महीने बाद बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज का इलेक्शन है, आपके चेयरमैन चुने जाने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या करूं मैं, हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूं, जो हो रहा है वो होने दूं? सर मैं तो सिर्फ आपको वेट करने के लिए कह रहा हूं, बाकी जैसा आप उचित समझें। आज के
ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गुरुजी आत्मानंद की गिरफ्तारी, गुरुजी आत्मानंद की गिरफ्तारी। ये लो सर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। केडी, छह महीने में ये तीसरा गॉडमैन है जो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना बिली, तो पूरी जेल को ये लोग आश्रम बना देंगे। नो, यही प्रॉब्लम है इस देश की कि विश्वास कब अंधविश्वास बन जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, हमारा वरुण कब आ रहा है दिल्ली से? आ जाएगा, भाई की शादी में गया है बिली। भाई की शादी हो जाएगी तो आ जाएगा। हाँ, आई फाउंड इट। केडी सर, मेरा नाम जोगिंदर, महागुरु आत्मानंद जी के ट्रस्ट का मुख्य संचालक। असी, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? महागुरु आपसे भेंट करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? जी, वो चाहते हैं कि आप उनका केस लड़े। केस? उन्होंने ये पत्र लिखा आपके लिए, कृपया इसे पढ़ें। इसमें क्या लिखा है? ये जो सब हो रहा है, ये महागुरु को फंसाने का षड्यंत्र है, और इसी बात का सबूत महागुरु केडी सर को दिखाना चाहते हैं। इसी भी अंकल मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा। वो हमें महागुरु आत्मनंद के आश्रम से। मेघना का कॉल, ये कैसे हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मेघना का फोन तुम्हारे पास कैसे है? कौन हो तुम? हेलो, बोलते क्यों नहीं? जब भी आप अंकल ये धुन सुनोगे तो समझ लेना कि मैं आपको याद कर रही हूं। हेलो हेलो, हेलो हेलो, अभिजीत अभिजीत, मुझे अभी अभी मेघना के फोन से फोन आया था, किसी ने कॉल किया था मुझे। हाँ हाँ, अभी मेघना के फोन से ही कॉल आया था मुझे। अरे मुझे पता है, उसकी मौत के बाद उसका फोन गायब हो गया है, लेकिन फोन तो आया था ना अभी। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, मेघना का सिम कार्ड, मेघना का फोन कोई तो इस्तेमाल कर रहा है। बस पता लगा, ट्रैक करो सिम कार्ड को, देखो कहां से फोन आया था और कौन फोन कर रहा है। तुम जो भी हो, मुझे ठुमरी सुनाकर बहुत गलत किया है। अब देखना मैं तुम्हारा बैंड कैसे बजाता। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम बेटा, आभारी हूं तुम्हारा कि तुमने अपना कीमती समय निकालकर तुम यहां मुझसे मिलने आए। गुरुजी, योगेंद्र जी कह रहे थे कि कोई षड्यंत्र रचा गया है आपके विरुद्ध। हाँ बेटा, योगेंद्र ये तो आपकी वसीयत है गुरुजी, जिसमें आपने आश्रम में अपना औधा, पूरी धन संपत्ति त्याग कर दान देकर हिमालय जाकर संन्यास लेने का पढ़ लिया। और गुरुजी इस वसीयत का ऐलान अगली सुबह करने वाले थे, लेकिन उसी रात मेघना का कत्ल हो गया। तो आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं चाहता कि आप ये धन संपत्ति दान में दे दे,
और इसी कारण आपको फंसा रहा है। यही बात है, 100% गुरुजी को कोई फंसा रहा है, वरना गुरुजी को किसी भी चीज की मोह माया नहीं है। गुरुजी सब बातें तो ठीक है, लेकिन सीआईडी को आपके विरुद्ध जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें देखने के बाद ये मानना जरा कठिन है कि आप निर्दोष हैं। विशेष रूप से वो वीडियो टेप जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप मेघना को धमकी दे रहे हैं। योगेंद्र बेटा, ये कैसे संभव है? मुझे समझाता हूं तुम्हें बेटा, ये केस तुम्हें मैं अपने लिए लड़ने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये उन भक्तों के लिए है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा लगे कि उनकी परसों की तपस्या और श्रद्धा व्यर्थ थी। मैं कोई भगवान नहीं हूं बेटा, लेकिन अगर मुझ पर लगा ये दाग ना हटा तो फिर ये दाग इंसान के इंसान प्रति श्रद्धा पर कलंक होगा। बेटा एक बार तुम ये मेरा केस ले लो, और यदि किसी भी समय तुम्हें ऐसा लगे कि मैं दोषी हूं तो तुम ये केस छोड़ सकते हो। ए, जस्ती समझ में आता है क्या? अरे अरे हिम्मत है तो ऊपर आके पत्थर मार। अरे बिली, एक कान के नीचे दूंगी ना इसे। बिली तुम हटो वहां से, आओ। मैं तो हट जाऊंगी, पर तुम ये केस से कब हटोगे? हाँ अखा मीडिया और न्यूज वाले तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं जब से तुम ये ढोंगी बाबा का केस लिए हो। अब आपको कैसे पता कि वो ढोंगी है? एसीपी साहब का फोन आ गया। गुड मॉर्निंग एसीपी साहब। गुड मॉर्निंग छोड़ो कोई नहीं, पहले ये बताओ क्या तुम मां गुरु आत्मानंद की केस लड़ रहे हो, उसे डिफेंड कर रहे हो? जी सर, आपकी इंफॉर्मेशन सही है, आपने उन्हें गिरफ्तार करके अपना काम किया, अब उसे डिफेंड करके मैं अपना काम कर रहा हूँ। गुनेगारों को बचाने का काम कब से करने लगे तुम केडी? सर ये तो आप भी जानते हैं कि एवरी मैन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो शायद तुमने भी सुना होगा सत्यमेव जयते। और एक बात केडी, सीआईडी ने आज तक कभी भी झूठ के बलबूते पर काम नहीं किया है। रही कहावतों की बात तो सुन लो, लेट द लॉ ऑफ द लैंड टेक इट्स ओन कोर्स। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, इस केस में अगर ऐसा ही हो तो हम दोनों के लिए बेहतर है। क्या बेहतर होगा और किसके लिए बेहतर होगा ये तो वक्त ही बताएगा केडी, हमारे लिए या फिर तुम्हारे लिए। जी सुन सर। सर मेघना का फोन ट्रेस हो गया है, सिग्नल्स के मुताबिक इस वक्त उसका फोन इस पते पर है। रीजेंट टावर्स, एनी बेसेंट रोड, वरली। सर इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम एक फोन को कैसे ढूंढेंगे? साइबर सेल ने कॉल किया था उस नंबर पे, 45वें फ्लोर पर डिटेक्ट हुआ है, 4532 नंबर फ्लैट, समझे? एक काम करो सर, तुम लोग यहीं रुको, ये ट्रैप भी हो सकता है, कोई फोन ऐसे कैसे छोड़ेगा। ओके सर। मैं ऊपर जाके देखता हूँ, अलर्ट रहना तुम लोग। Thank you.
अरे अभिजीत सर, जरा संभाल के। खेड़ी, तुम यहाँ कैसे? एक फोन आया था मुझे। या? मेघना का कातिल, विजन टावर्स, वर्ली, फ्लैट नंबर 4539। आप कौन? हेलो, हेलो, विजन टावर्स। बारह सौ चार तो 12वें फ्लोर पे होगा। ये क्या खेल है? खेल खेलना चाहते हैं, ठीक है, हम भी खेलेंगे खेल, क्यों? चलिए, सीनियर्स फर्स्ट। अभिजीत, एक मिनट। रूबी है, लगता किसी की तस्वीर है, मतलब लड़की यहां थी। ए बाबुल मुरा, लिफ्ट नहीं आ रही, मैं सीरियस है। एक मिनट, टाइम नहीं है, लिफ्ट से चलते हैं। आगे चल। अब आएगा खेल का मजा। एक और कार्ड है, क्या मैसेज है हमारे लिए? पंखा, पंखे का क्या मतलब होता है? पंखा, यहीं से निकलना होगा। अभिजीत सर का फोन नहीं लगा क्या? नहीं, शायद लिफ्ट में हो, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ आने पे भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है, 45 सेकंड में बॉम्ब फटेगा और हम लोग। हाँ मयूर, लिफ्ट के अंदर बॉम्ब है, सब लोगों को बाहर निकालो जल्दी। लिफ्ट में बॉम्ब? लेकिन सर आप कहें सर? वो सब छोड़ो, तुम बाहर निकलो जल्दी, 30 सेकंड बचे हुए हैं। यस सर। केडी, अभिजीत एक काम करो, इस पे चढ़ना पड़ेगा। क्या? केबल पे। चलिए यहां से, आइए, चलिए, यहां बॉम्ब है, प्लीज। केडी, मैं लिफ्ट पे गोली मारने वाला हूं, कस के गोली, प्लीज निकलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए। कोई और आएगा? बिल्डिंग खाली, चलो।
जी कमिश्नर साहब, बस ध्यान रहे कि मीडिया को इस बारे में बिल्कुल भी पता ना चले कि मैंने आपसे बात की है। कमिश्नर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। महागुरु के केस को कौन सा जज प्रिसाइड करने वाला है? कौन? जस्टिस बलसारा। जस्टिस बलसारा? ओके, गुड। ये तो बहुत ही ऑनेस्ट जज है ना। जय हिंद। जस्टिस बलसारा। अभिजीत बहुत सोच समझ के पत्ते फेंकता है, हमारे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेगा। ये काम करो, फ्लैट नंबर 4532 किसका है पता लगा जल्दी। मेघना बोल, अब कौन सा पत्ता फेंकेगा तू? अंकल, कौन हो तुम? मैं बोल रही हूँ, मेघना। मेघना? मेघना, तुम जो भी हो एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम एसीपी प्रद्युमन के साथ मजाक कर रही हो और ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एसीपी अंकल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ये बात आपको बहुत जल्द पता चलेगी। क्या हुआ सर? मेघना का फोन। क्या? पर मेघना तो मर चुकी है। हाँ दया, पर आवाज बिल्कुल मेघना की तरह ही, बिल्कुल मेघना की तरह। एक बार ये मेघना का फोन हमारे हाथ में आ जाए ना, फिर सब पता चल जाएगा। सर, शायद हमें इस फैक्ट से कुछ पता चले। क्या इस फैक्ट में? सर, केडी पाठक को किसी ने ताश का पता भेजा था, किसी न्यू अश्योरेंस बैंक को लेकर। न्यू अश्योरेंस बैंक? तो पिछली बार पत्ते मिले थे तो अभिजीत और केडी की जान पर बनाए थे, ये भी कोई जाल ही होगा। हाँ पर दया, न्यू अश्योरेंस बैंक क्यों? बैंक का क्या संबंध है इसके साथ? और सर, ये जो नीचे लंबा सा नंबर है, ये क्या हो सकता है? लगता है कोई MICR नंबर है बैंक का। इस MICR नंबर से बैंक की शाखा के बारे में डिटेल्स मिलते हैं, चेक करो। देखो सर, अगर ये मेघना मर चुकी है तो कोई मेघना बनकर उसके फोन से कॉल क्यों करेगा? वही तो, और फिर उसी आवाज में। सब पता चल गया, वो MICR नंबर न्यू अश्योरेंस बैंक वडाला ब्रांच का है। न्यू अश्योरेंस बैंक वडाला? जी सर, ब्रांच तो यही है, पर आप क्या ढूंढ रहे हैं? ये महागुरु आत्मानंद के भक्तों में से किसी का अकाउंट है यहाँ? महागुरु आत्मानंद जी, उनके तो कई भक्तों के अकाउंट यहाँ पर है, करीब करीब 50 से भी ज्यादा। आपको किसके बारे में पता करना है? 50 से भी ज्यादा? जी। हाँ।
पता नहीं सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये अगली कड़ी तो नहीं है। ये आपके बैंक में लॉकर्स कहाँ है? जी आइए मैं दिखाता हूँ। ये आपके बैंक में इस तरह के लॉकर्स? सर एक्चुअली बैंक बहुत ही पुराना है और हम लोगों ने चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डाली है सर। किसका लॉकर है ये? सर मैं चेक करके बताता हूँ, अगर आप कहें तो मैं उन्हें फोन करके। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, खोल लेंगे। नहीं बिना चाबी के। साहब ये षड्यंत्र किसी और का ही है, क्योंकि महागुरु तो जेल में, किसी और ने सीआईडी और मुझे वहां बुलाया और हमें मारने की कोशिश की। लगता है कोई नहीं चाहता कि मैं महागुरु को निर्दोष साबित करूं। या फिर कोई महागुरु का चेला भक्त जो सीआईडी को मारना चाहता है क्योंकि हमने महागुरु को पकड़ लिया है। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। लेकिन मैटर ये करता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। राजाराम भिड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में सीआईडी को जिताएगा लेकिन तुम्हें हराएगा केडी। डोंट वरी एसीबी सर, मैं आपके साथ। भिड़े जब भिड़ता है तो आगे ही बढ़ता है। मां गुरु जी की जय। 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 योर ऑनर, 21 नवंबर 2014 रात 11:20 पर महागुरु आत्मानंद के आश्रम के छत पे से क्राइम जर्नलिस्ट मेघना को धक्के देकर मारा गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि सामने खड़े महागुरु आत्मानंद। सबूत एक नहीं अनेक है। मेघना के नाखून के नीचे महागुरु की त्वचा का अंश यानी मेघना और महागुरु के बीच हाथापाई हुई। दूसरा, मेघना के कपड़ों पर महागुरु के खून के धब्बे यानी महागुरु जख्मी हुए। तीसरा, मेघना के कमरे से वो चाकू मिला जिस पर मेघना और फिर महागुरु की उंगलियों के निशान। और चौथा, महागुरु ने कहा था कि उस रात वो आश्रम में नहीं थे, वो नासिक की ओर प्रस्थान कर रहे थे जो कि गलत। आश्रम के ग्राउंड फ्लोर पर सिक्योरिटी कैमरा में कुछ चीज रिकॉर्ड हुई। जहां पर आप महागुरु को चलते हुए देख सकते हैं। ये तो हुए सबूत, अब देखते हैं मकसद। मेघना ने स्टिंग ऑपरेशन किए उस आश्रम में करोड़ों रुपए के काले धन के खिलाफ। ये टेप इसलिए है ताकि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे यहाँ आने का मकसद दुनिया से छिपा ना रहे। मैं इस आश्रम में एक भक्त बनकर आई हूँ लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि इस आश्रम में लाखों करोड़ों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ऑर्डर ऑर्डर। जो हमने सबूत पेश किए हैं उस पर मोहर लगाएंगे एसीपी प्रद्युम्न साह। योर ऑनर, सारे सबूतों को देखकर एक बात स्पष्ट है कि जैसे ही महागुरु आत्मानंद जी को मेघना के स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे धमकाने की कोशिश की। जब मेघना ने नहीं माना तो इन्होंने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की
और जब मेघना अपनी जान बचाकर टेरेस पर भागी तो मां गुरु उसके पीछे जाकर इससे बेहतर तो मैं भी नहीं कह सकता था। थैंक यू सर। मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्लाइंट के बचाव में? योर ऑनर, मेरे मित्र भिड़े साहब ने अदालत के समक्ष एक नहीं पांच पांच साक्ष्य प्रस्तुत किए, बारी बारी करके उनकी पुष्टि करने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मेघा के नाखूनों के नीचे गुरु आत्मानंद जी के चमड़ी के अंश पाए जाए। गुरु जी कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि ऐसा कैसे संभव। जिस शाम में आश्रम से नासिक जा रहा था, जाने से पहले मेघना मेरे पास आई। वो मेरे चरणों में गिर गई और कहने लगी कि वो भी मेरे साथ चलना चाहती है, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो वो हटी नहीं। उसके नाखूनों के निशान मेरे पैर में गड़ गए और जरूर खरोच आई होगी, इसलिए मेरे त्वचा के अंश उसके नाखून में। ये देखिए मेरे पैर। बहुत ही अच्छी कहानी। विचित्र बात है भिड़े साहब, कि आपको सत्य कहानी लग रही है। चलिए जो भी है, कहानी लग रही है तो इसे झुटला दीजिए। झुटला सकते हैं। द्वितीय आरोप भिड़े साहब का यह रहा कि मेघना के वस्त्रों पर गुरुजी का लहू लगा हुआ, और ये फोरेंसिक से जांचा गया है। जी एसीपी साहब, जानता हूं, किंतु योर ऑनर, इसका भी एक बहुत सीधा और सरल उत्तर है। योर ऑनर, अगर मेघना के वस्त्रों पर गुरुजी का लहू लगा होता तो स्पष्ट है कि गुरुजी के शरीर पर कहीं ऐसी चोट लगी होती जहां से वो लहू बहा होता, किंतु ऐसा है नहीं। योर ऑनर, गुरुजी की मेडिकल जांच के साथ लगी है एफिडेविट इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी के शरीर पर ऐसा कोई जख्म नहीं, ऐसी कोई चोट नहीं जहां से लहू बहा। अब भिड़े साहब, क्या इसे भी आप कहानी कहेंगे? योर ऑनर, भिड़े साहब का तृतीय आरोप कि इस चाकू पर केवल मेघना और गुरुजी की उंगलियों के छाप है, वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि ये चाकू गुरुजी का ही है जो ये अपने कक्ष में रखते थे स्वयं फल काटने के लिए। तो ये मेघना के कमरे में कैसे आया? ठीक उसी प्रकार से भिड़े साहब, जिस प्रकार से आपका सोने का पेन या मेरी जेब में आ गया। योर ऑनर, अक्सर देखा गया है कि लोग वस्तु उठाकर घटनास्थल पर रोपित करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। ऐसा ही हुआ है गुरुजी के साथ, इन्हें फंसाने के लिए ये सारी वस्तुएं रोपित की गई। आप मेरा कलम वापस करेंगे? अब क्षमा चाहता हूं। और कोई महागुरु को क्यों फंसाएगा? हाँ, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भिड़े साहब, मुझे आपके चौथे और पांचवें आरोप का उत्तर देना होगा। वो ये था योर ऑनर कि अंततः महागुरु क्यों आश्रम में थे जब इन्होंने कहा कि ये नासिक के लिए प्रस्थान कर चुके थे, और मेघना के कक्ष के बाहर ये क्या कर रहे थे? आपकी अनुमति हो तो इस प्रश्न का उत्तर दूं। इसे आप गलत कैसे साबित कर सकते हैं कीड़ी साहब? इसका तो फोटोग्राफिक और वीडियो एविडेंस भी है हमारे पास। जी है एसीपी साहब, किंतु अक्सर जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो हो सकता है कि जो दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो। मैं समझाता हूं योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं दो व्यक्तियों अदालत में बुलाना चाहूंगा। क्या
देख रहे हैं बेटा साहब, आपकी आंखों को कोई धोखा नहीं हो रहा, ये गुरुजी की हम शक्ल है। डुप्लीकेट? पर क्यों? योर ऑनर, गुरुजी को कई आतंकवादी संगठनों से जान की धमकी आ रही थी, इसी कारण इनके भक्तों ने इनके ये दो हम शक्ल तैनात, ये जो महागुरु की जगह ले ले। कीड़ी साहब, आपके कहने का मतलब है कि उन वीडियोस में महागुरु आत्मानंद नहीं बल्कि इनमें से ही कोई एक है? बिल्कुल उचित कहा आपने एसीपी साहब, मैं इस बात को प्रमाणित भी कर सकता हूँ। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने अपना? किरण शुक्ला है। किरण शुक्ला, किरण जी ये दिखाइए अपना। ये जो आपकी अंगूठी से एक रत्न लापता है आपका, आपको पता है कि कहां लापता हुआ? नहीं पता होगा, मुझे पता है। ये देखिए अभिजीत, ये रत्न याद है? योर ऑनर, ये रत्न उस फ्लैट में हमें मिला था जहां पर किसी ने इंस्पेक्टर अभिजीत और मुझे मारने का प्रयास किया। और मुझे शंका है किरण जी कि ये जो रत्न है ये आप ही के अंगूठी का है। देखें जरा, हाथ आगे बढ़ाई बढ़ाई। फिट हो गए? योर ऑनर, वही नाप, वही आकार, वही प्रकार। जिसका ये अर्थ है कि आप ही थे फ्लैट में, आप ही ने अभिजीत और मुझे मारने का प्रयास किया है? नहीं नहीं जी, मैं कैसे कर सकता हूं? सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत? न्यू अश्योरेंस बैंक वडाला ब्रांच, लॉकर नंबर 35। ये आप ही का है? किरण झूठ मत बोलना, क्योंकि ये जो सूची पड़ी हुई है बैंक की, इसमें यही लिखा है कि आपके नाम पे है ये लॉकर। आपके नाम पे है? जी है। जी, इन्हीं का लॉकर है योर ऑनर, और इन्हीं के लॉकर से ये रुपया भरा बैग प्राप्त हुआ था योर ऑनर, पूरे 10 करोड़ रुपए। कहां से आए इतने सारे रुपए? किसने दिए? क्यों? बताओ किरण, कहां से आए ये पैसे? किसने दिए ये पैसे? जी मैं सब कुछ बताता हूं, ये पैसे मुझे सर्वेश ने दिए थे। सर्वेश ने दिए? क्यों? किस लिए दिए थे पैसे? महागुरु को फंसाने के लिए। वो वीडियो पे मैं ही हूं, ये सब कुछ मुझे सर्वेश ने करवाया मुझसे। इसे पकड़िए आप। बचपन से मैं महागुरु की सेवा में था, इसी उम्मीद में कि उनके बाद वो अपना उत्तराधिकारी मुझे चुने, लेकिन उन्होंने चुना योगेंद्र को। ट्रस्ट की सारी संपत्ति वो दान में देना चाहते, ना गाड़ी ना पैसा। मेरे हाथों में तो कुछ नहीं लगा। परसों की नमक हलाली का जब मुझे यह सिला मिला, तब मैंने सोचा कि महागुरु को तो सबक सिखा के रहूं। उसी दरमियान मुझे मेघना की असलियत के बारे में पता चला। मैंने महागुरु को कुछ ना बताते हुए किरण के साथ मिलकर यह सारा खेल रचा, और सारे सबूत ऐसे रखे कि मेघना की मौत का जिम्मेदार महागुरु लगे। और जो इंस्पेक्टर अभिजीत और मुझे मारने की साजिश थी, वो भी मैंने ही की थी किरण के हाथ। मैं डर गया था कि अगर सीआईडी और आप दोनों मिल गए तो एक ना एक दिन मेरे तक तो पहुंच ही जाओगे। और वो फोन जो मेघना ने किया था, वो उसका
भी क्या सर? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आखिर मैं ये क्यों करूं? पर मेघना तो मर चुकी थी। देखो देखो सर्वेश, सर्वेश झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। तुम्हीं ने किया था फोन, कहां कहां है मेघना का फोन? कहां है फोन? तो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने कोई फोन नहीं करवाया। सर जब मैं इतना स्वीकार चुका हूं तो इस बात को लेकर झूठ क्यों बोलूं? हाँ तुम्हारी ये बात तो सही है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि वो चौथा पत्ता जो हमें किरण के बैंक लॉकर तक ले गया, तुम्हें उस बारे में भी कुछ पता नहीं हो। नहीं सर, भला मैं अपने आप को क्यों फंसाऊं? महागुरु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका ही नहीं बल्कि आपके भक्तों का भी अपराधी, मुझे माफ कर दीजिए। सारे गवाहों और सबूतों के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सर्वेश और किरण को मेघना के कत्ल में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का आदेश देती है और महागुरु आत्मानंद को इस आरोप में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सर ये प्रॉब्लम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ श्रेया, वही मेघना की बात मेरे दिमाग में अभी भी अटकी है। ये मेघना बनकर कौन मुझे फोन कर रही थी, कौन थी तुम? और उस लिफ्ट के ब्लास्ट के बाद उस फोन का अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। गायब किया गया है दया, ये फोन गायब किया गया है। और सर सर्वेश ने तो मेघना के फोन से कॉल किया ही नहीं था। वही तो। और वो आदमी कौन है सर जो इस केस में हमारी मदद करके सर्वेश को पकड़वाया? वही तो। और फिर उसने हमारी मदद की ही क्यों? भेजा होगा ये मुझे। केडी मैं तुमसे मिलना चाहता हूं अभी इसी समय, क्या तुम मेरे आश्रम आ सकते हो? बात क्या है गुरुजी? तुम तुरंत यहां आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आता हूं। हमने सब कुछ सुन लिया है बेटा। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने दें? अब जब तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई कि तुम तो यहाँ जासूसी करने आई हो, फिर कैसे जाने? लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। सही गलत का फैसला तो वो करता है, हम नहीं। लेकिन अगर तुम्हें सही गलत की इतनी ही पड़ी है तो जाकर पूछ लो उससे।
भेज दे तुम्हें ऊपर। नहीं ना, तो फिर आज रात का समय है तुम्हारे पास। हमने जो तुम्हें नशीली दवाइयां दी हैं, वो तुम्हारा दिमाग खोलने में सहायता करेगी। पकड़ लो इसे, ले लो ले लो ले लो ले लो बेटा ले लो। इसी वक्त मेरे घर आ जाओ। हाँ अर्जेंट, अभी। ओके। क्या बात है सर, आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? दे, अब इस वीडियो को देखो। पकड़ लो इसे, ले लो ले लो ले लो। सर ये फुटेज तो हमने देखा हुआ है, क्या है इसमें? दया, अब तक हम ये सोच रहे थे कि खुनी महागुरु नहीं, उसका हम शक्ल किरण है। लेकिन दया याद करो, आज कोर्ट में जब केडी ने पैसे की गड्डी फेंकी थी किरण के पास, तब किरण ने वो अपने बाएं हाथ में पकड़ी थी। फिर उसने सर्वेश के पास इशारा भी अपने बाएं हाथ से किया, बाएं हाथ से। इसका मतलब है किरण राइट हैंडेड नहीं, लेफ्ट हैंडेड है, कब्बू है। इसका मतलब है असली खूनी कोई और है, या तो महागुरु या फिर महागुरु का वो दूसरा हमशक्ल। वो दूसरा हमशक्ल खूनी हो ही नहीं सकता, वो तो आज सुबह ही मलेशिया से आया। ये देखो वीजा के स्टैम्प्स हैं इसके ऊपर। दया, ये खूनी महागुरु ही है। आत्मानंद जी, इतनी रात गए बुलाया, कोई विशेष कारण? ये क्या है गुरुजी? ये एक खुफिया वॉल्ट है जो सिर्फ मेरे और मेरे उत्तराधिकारी योगेंद्र के फिंगरप्रिंट्स और कोड से खुलता है। सारे फसाद की जड़। मेघना के यहां आने का कारण भी यही था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, असली रकम तो कहीं और है। 9,856 करोड़ का काला धन जो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति से मेरे पास आता है। और सच मानो तो केडी, इस देश का इन हाउस स्विस बैंक मैं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि अब मेरा जमीर मुझे खामोश रहने की इजाजत नहीं देता। आप अनन, कहां छुपाए तो बाहर निकल। मासूम लड़की मेघना की हत्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए केडी। क्या आत्मानंद जी क्या कहना चाहते हैं? यही, किसी ने मारा है मेघना। जो कुछ भी हुआ है मैं तुम दोनों को सच सच बताता हूं, ये सिर्फ मेरा किया कराया नहीं, मैं तो एक कठपुतली हूं, असली डोर तो किसी और के हाथ में है।
बाकी के 9,600 करोड़ उसके पास है। क्या था? नासिक के एक छोटे कस्बे में सड़क पर जादू दिखाने वाला एक जादूगर, लेकिन उसने मेरी कला को पहचाना और मुझे वहां से उठाकर यहां तक पहुंचा दिया। आत्माराम विचारे को महागुरु आत्मनंद बनाने वाला वो अकेला है। ये चक्रव्यूह उसी ने बनाया। कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा नाम है उसका, मशहूर माननीय। ये कैसे हुआ? ये तो स्पॉट में अगर कोई चोर घुस जाए तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट होकर बेहोशी की गैस लगाता है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर महागुरु, 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 ये क्या हो गया? महागुरु, ये कैसा हो गया? ये क्या किया आपने? आपने हमारे महागुरु को मार दिया। हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये गलत किया आपने, आपने हमारे महागुरु को मार दिया। देखो, मैं मानता हूँ बंदूक मेरे हाथ में, मैंने नहीं मारा। नहीं जाने देंगे। क्या? क्या हो? महागुरु, महागुरु। केड़ी, ये कैसे हुआ? नहीं, पता नहीं, मैं होश में आया तो ये मेरे हाथों ये गन कैसे? मुझे मुझे नहीं पता। केडी पाठक ने महागुरु जी की जान लेकर अनाथ बना दिया है मुझे, मुझे बिल्कुल अनाथ कर दिया है। एक काम करो, जस्टिस बलसारा को फोन लगाओ। जी चंद्रकांत सर। सर, मैंने सुना है कि कल अदालत में केडी पाठक अपना केस खुद लड़ने जा रहा है। सर, वो बहुत ही चालाक और शातिर आदमी है, किसी भी कीमत पर उसे सजा होनी चाहिए, बस सजा। मिस्टर चंद्रकांत, मैं अदालत में जो भी फैसला लूंगा सबूतों के आधार पर लूंगा, आप निश्चिंत। अरे कैसे निश्चिंत रहूं सर मैं, उस आदमी ने महागुरु जी का खून कर दिया। अब देखिए देखिए सर, आपको जो कुछ चाहिए वो मैं देने की तैयार हूं, बस केडी पाठक। मिस्टर चंद्रकांत, आप अपने हद में रहिए। आपको मालूम है आप एक सीनियर जज से बात कर रहे हैं। इस केस का फैसला मैं लूंगा, आप नहीं। गुड नाइट। हेलो, योर ऑनर, मैंने गुरुजी की हत्या नहीं की। उन्होंने स्वयं मुझे आश्रम में बुलाया था उनका राज बताने, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले ही। कैसा राज? बेड़े साहब का जो एकत्रित काला धन था उसका राज वो बोल नहीं वाले थे। इंस्पेक्टर दया वहां पहुंचे और इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसा कमरा है जहां पर कोई आ भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता, उसमें 3 लोग, आप, महागुरु और दया।
बाहर ढेर सारा पैसा, फिर तीनों बेहोश हो जाते हैं। आंख खुलती है तो महागुरु की हत्या हो जाती है इस गन से जो आपके हाथों में। क्यों दया, यही देखा था ना तुमने? हाँ, लेकिन मैंने केडी को महागुरु पे हमला करते हुए नहीं देखा और ना ही आश्रम के बाकी भक्तों ने। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि केडी ने महागुरु की हत्या नहीं की। हाँ, कौन हो सकता है, तुम या महागुरु? उन्होंने खुद अपने आप को मार कर गन केडी के हाथ में थमा दिया। नहीं ना, केडी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। विचित्र बात कर रहे हैं बेटे साहब। मैं महागुरु की हत्या क्यों करूंगा? क्या मैं हत्यारा हूं? और जिन्हें अभी अभी मैंने बाइज्जत बरी करवाया, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? उसका पता अभी चल जाएगा। दया, केडी का कहना है कि महागुरु ने उसे वहां बुलाया था। अरे हाँ दया, तुम वहां क्यों गए थे? क्योंकि सीआईडी को पता चल गया था कि महागुरु ने ही मेघना की जान ली है। वाह, क्या ट्विस्ट है। पर सीआईडी को कैसे पता चला? आप वो वीडियो कैमरा चलाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस फुटेज में जो आदमी है वो महागुरु का हमशक्ल किरण नहीं है। किरण लेफ्टी है, पर वीडियो में दाहिना हाथ यूज किया गया है और महागुरु का दूसरा हमशक्ल उस समय देश के बाहर था। वाह, क्या बात, आप बिल्कुल सही हो। वो महागुरु का हमशक्ल नहीं, खुद महागुरु ही। अब किरण ने उसे नहीं मारा, पर किरण ने अपना गुनाह कबूल क्यों किया? ये किरण से पूछना चाहिए। तो किरण, हम सभी जानते हैं कि उस वीडियो में तुम नहीं हो, तो फिर तुमने मेघना को फंसा कर उसे मारने का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? जी मैं देखो किरण, हमारा नाम है भिड़े, हम जिससे भी भिड़ते हैं वो भाड़ में चला जाता है। केडी सर, मैं और नहीं छुपा सकता, जो सच्चा मैं बता रहा हूँ सर इन्हें। एक मिनट, इसमें केडी का क्या कनेक्शन है? सर ये सब केडी सर का ही तो प्लान था। सर्वेश और मुझे इन्होंने ही तो शामिल किया था। हाँ सर, केडी सर ने हमें मिलकर कहा था अगर महागुरु को बचाना है तो सारा इल्जाम अपने सर पे लेना होगा। बाकी सबूत तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन सीआईडी की फुटेज को तोड़ने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। ये सब तुम्हें अपने सर लेना होगा। लेकिन फिर हमें जेल हो गई। नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, एक साल के भीतर तुम दोनों को बाहर निकाल लूंगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अपने भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हो, है ना? सर ये सारा प्लान केडी सर का ही है। ऑर्डर ऑर्डर, योर ऑनर, झूठ बोल रहा है ये। मैं इन दोनों से कभी मिला ही नहीं, तो फिर ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ? एक मिनट केडी साहब, कहानी बहुत दिलचस्प है। सर्वेश, ये बताओ कि केडी साहब ने महागुरु को बचाने के लिए इतना बड़ा पैतरा क्यों अपनाया? सर इस बात का जवाब महागुरु ने मुझे दिया था। केडी पाठक को हमने खरीद लिया है 50 करोड़ रुपए में, इसलिए वो जैसा भी कहे तुम्हें वैसा ही करना है हमें बचाने के लिए। जो आज्ञा महादेव। साइलेंस प्लीज। मिस्टर पाठक, ये हम क्या सुन रहे हैं? योर ऑनर, स्पष्ट है कि कोई मुझे फंसाने की योजना बना रहा है। महागुरु ने मुझे कोई रिश्वत नहीं दी। ये क्या कह रहे हो मिस्टर पाठक? महागुरु ने रिहा होते ही आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा करवाए थे और बाकी का कैश देने के लिए उस रात आश्रम में बुलाया था। बस, आप सही हैं सर्वेश, हमें आज सुबह ही पता चला है कि केडी साहब के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। केडी साहब बाकी का पेमेंट लेने महागुरु के ऑफिस में पहुंचे। महागुरु ने इन्हें अपना वॉल्ट दिखाया, वहां कुछ विवाद हुए जिसके तहत ये सब कुछ। आगा।
योर ऑनर सर्वेश झूठ बोल रहा है और भिड़े साहब जो इनके मन में आए बोले जा रहे। मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि मेरे अकाउंट में ये रुपए कैसे आए। वो पैसे कहाँ हैं इस समय? इस वक्त तो पैसे पुलिस के कस्टडी में, लेकिन ये सिर्फ हाथी की पूछ है सर। महागुरु ने केडी और दया को बाकी के 9,000 करोड़ रुपए के बारे में बताया। शायद वही रुपए देखकर पाठक साहब को लालच आ गई होगी। योर ऑनर, महागुरु हमें उस व्यक्ति का नाम बताने वाले थे जो षड्यंत्र का रचयिता है। इंस्पेक्टर दया से पूछ लीजिए, वो इस बात के गवाह है। और सोचने वाली बात है योर ऑनर, अगर मैं इन लोगों से मिला होता तो स्वयं अपनी जान गंवाने क्यों जाता हमारे रीजन टावर्स के लिफ्ट की दुर्घटना में? ये लोग मुझे मारने का प्रयास क्यों करते? लिफ्ट नहीं आ रही, मैं सीढ़ियों से आता हूं। एकड़ी, टाइम नहीं है, लिफ्ट से चलते हैं। आगे चल। पर वो प्लान तो आपने ही बनाया था ना सीआईडी को मारने के लिए, ताकि वो आप तक ना पहुंच पाए। तू क्या बोल रहा है यार? और खुद उसमें शामिल थे ताकि दुनिया को लगे कि महागुरु के खिलाफ हो रहा है ये। सच है सर, क्योंकि आज सुबह ही केडी पाठक के ऑफिस से हमें यह नक्शा मिला है रीजन टावर के लिफ्ट का। बॉम्ब रखने का प्लान इन्हीं का था। योर ऑनर, स्पष्ट है कि इस केस में जिस प्रकार से हर साक्ष्य रोपित किया गया है, मेरे विरुद्ध भी ये साक्ष्य रोपित किए गए हैं, मेरे कार्यालय में प्लांट किए गए। क्या क्या प्लांट करेगा आपके खिलाफ कोई मिस्टर पाठक? सबूतों का सिलसिला तो खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। जो भी कहना है कटघरे में कही। मुझे नहीं मालूम कि इस सब के पीछे कौन है, पर इस केस में शुरू से ही कोई तो है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। ताश के पत्तों में क्लूज, मेघना के फोन से कॉल्स, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए ना कि वो व्यक्ति यही है मिस्टर केडी पाठक। यह हमें कंफ्यूज करने के लिए सब चाल चल। वैसे आपको किरण और सर्वेश तक पहुंचने का क्लू किसने दिया? मुझे एक ताश का पत्ता मिला था और मैंने ये पत्ता आप ही ने दिया, क्लू आप ही ने दिया था ना? मैंने कहा मुझे पत्ता मिला था। इन्होंने पत्ता बनाया ताकि सीआईडी तक पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनके हुनर से किरण और सर्वेश तक पहुंचे। और वो अंगूठी का नग जो किरण तक आपको पहुंचा है, वो किसको मिला था? अभिजीत को या केडी? हाँ, वो रत्न मुझे मिला था, लेकिन योर ऑनर उस रत्न एक और फुक्का छोड़ा गया सुराग। अमेजिंग, क्या गेम खेला है मिस्टर पाठक। लेकिन लालच में आकर आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है महागुरु की जान ने। मैंने महागुरु की हत्या नहीं की है। ये सोचने वाली बात है योर ऑनर कि इस बंदूक से, इस पिस्तल से महागुरु की हत्या की गई और मैं वहां कोई हथियार लेकर नहीं। लगता है अब ऊंट को पहाड़ के नीचे लाने का वक्त आ गया है मिस्टर पाठक। ये गन उस रात आप अपने साथ लेकर गए थे, ये बात हमें महागुरु के कर्मचारी योगेंद्र बताएंगे। हाँ, मैंने केडी सर के पास इस गन को देखा। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे लगा केडी सर अपनी हिफाजत के लिए यह गन रखते होंगे। अगर मुझे इस बात का जरा सा भी अंदेशा होता कि इस गन से वो महागुरु की जान ले लेंगे, तो मैं उन्हें वहीं रोक देता। झूठ बोल रहे हो तुम योगेंद्र। मैं जानता हूं कि वो वॉल्ट केवल महागुरु और तुम्हारी उंगलियों के छाप से खुलता है। योर ऑनर, यह पूरी तरह संभव कि हमें बेहोश करके इसने वॉल्ट खोला हो, महागुरु की हत्या की हो और वो पिस्तल मेरे हाथों में थमाई। असंभव, मैं बाकी भक्तों के साथ वॉल्ट के बाहर था। पूछ लीजिए सभी से। योर ऑनर, कोई उपचार ही नहीं बचता। गन मिस्टर पाठक के पास पैसे की डील हुई, ये सब इन्हीं का रचा हुआ था। महागुरु को बचाने के लिए केडी पाठक ने ये सब खेल रचा था। दया के आने से पहले क्या हुआ? पैसों पर झगड़ा या 900 करोड़ की कहानी सुनकर लालच? मिस्टर पाठक, आपके खिलाफ जो सबूत मिले वो यही कहते हैं कि आपका महागुरु आत्मानंद के मृत्यु में गहरा हाथ। यह अदालत कल 3 बजे फिर से जारी होगी। जब आखिरी सुनवाई के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। कल यानी 24 घंटे बाद अब तक के मिले सबूतों के आधार पर जज बलसारा मेरे विरुद्ध फैसला सुना देंगे।
जानता हूं खीरी, और मैं ये भी जानता हूं कि महागुरु तो क्या तुम किसी से भी रिश्वत नहीं ले सकते, क्योंकि यह तुम्हारे खून में ही नहीं है। उसे मारना तो दूर की बात। थैंक यू सर। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मेरे खिलाफ कितनी ऊंची साजिश की गई है। मुझे लगता है ये उसी व्यक्ति ने की है जिसका नाम हमें महागुरु बताने वाले थे। उसी आदमी का हमें पता लगाना है, उसी का जिसने उस बंद कमरे में महागुरु को मारा है। धोखा नहीं हो सकता, वो मेघना ही थे, पर कैसे? दया, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास उस आदमी का पता लगाने जो केडी को फंसा रहा है, और हमारे पास है सिर्फ ये सुराग, ये गन जो हमें केडी के हाथ में मिली थी और जिससे महागुरु को मारा गया। सर, इस गन के सीरियल नंबर से हम पता लगा सकते हैं ना? बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर गन का सीरियल नंबर हो तब ना, ये देखो गन का सीरियल नंबर मिटा दिया गया। का मतलब ये गन शायद चोरी की है ताकि इसे ट्रेस ना किया जा सके। और बात सर, ये एक लिमिटेड एडिशन गन है जो बहुत कम मिलती है, 0.22 कैलिबर की माइक्रो डेजर्ट ईगल। सारे पुलिस स्टेशन में जाकर पता लगाना पड़ेगा क्या किसी ने ऐसी गन गुम होने का रिपोर्ट दर्ज किया है क्या। सर, पिछले 3 सालों में 4 लोगों ने ऐसी गन गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 4 लोगों ने ऐसी गन गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्रेया, ये गन उन 4 लोगों में से ही किसी एक की है, पता लगा। तो बाकी जिन लोगों के घर से गन चोरी हुई है वहां से तो कुछ पता नहीं चला। ये आखिरी देखते हैं। सर जी आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मिस्टर अनुपम, आप जरा ये फोटो देखिए, ये गन आपकी है? जी हाँ, सेम मॉडल सेम कलर, मेरे घर से भी चोरी हुआ था। लाइसेंस है मेरे पास इसका भी। कब चोरी हुई थी? जी अभी 1 महीने पहले। आई थिंक यही मेरी गन है। किसी पर शक है आपको? जी नहीं, यहाँ तो सभी मेरे भरोसेमंद है, कोई बाहर का आदमी हो सकता है। ठीक, हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको खबर करेंगे। अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। अब गन का कैसे पता चलेगा? एक पत्ता फेंका है, कैन लग जाएगा। पत्ता? ला।
गन चुराया था तूने? माफ करना साहब जी, माफ करना, जो एक आदेश की वजह से बहुत कर्जा पड़ा है हमारे पे, इसलिए इसलिए चोरी की लत लत को मार गोली। ये बता गन किसको बेची तूने? गन सुखाने को, गन सुखाने को, वो कबड्डी की दुकान है धारावी में, और कबड्डी की दुकान के साथ साथ गन की भी डीलिंग करता है वो। कहाँ भाग रहा है? चल जरा ब्यूरो की सैर कराता हूँ तुझे। मुझे जाने दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। चुप। बता किसने खरीदी थी ये गन? किसने खरीदी थी ये गन तुझसे? बोल। साहब एक लंबा सा आदमी था, एक चौड़ा सा आदमी था साहब। लंबे चौड़े आदमी का नाम तो होगा ना? साहब हमने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं, बस गन के पैसे दे दिए साहब। कब बेची तूने गन? साहब 10 दिन पहले साहब। और कितने में खरीदी उस आदमी ने ये गन? कितने में खरीदी थी ये गन? 2.5 लाख रुपए में, 50,000 मैंने खर्च कर दिया साहब, बाकी मेरी खोली में पड़े साहब, वहाँ के सब साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ उसे। मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने, मुझे जाने, मुझे जाने दीजिए। लंबा चौड़ा आदमी, अभिजीत घनशू के घर से ये जो पैसे मिले इस बंडल में, तो सारी की सारी नोट्स बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में। लगता हाल में ही निकाले गए बैंक से सर, ये न्यू एश्योरेंस बैंक मरोर ब्रांच सर। न्यू एश्योरेंस बैंक मरोर ब्रांच। कहाँ हो तुम? सर मेघना के मोबाइल के नेटवर्क के बारे में पता चल गया। मेघना का फोन ट्रेस हो गया? हाँ सर, मैं वही जा रहा हूँ। ग्रेट वर्क दैट, बस अब जल्दी से जल्दी पता लगाओ इस फोन के बारे में। ओके सर। तेरा मेघना के नंबर पे फोन लगा। सर फोन की आवाज। वही पत्तों का खेल, हमें कुछ बताने की कोशिश। सर फोन की आवाज तो उसी तरफ से आ रही। मेघना की कहा? सर फोन की आवाज मैं देखता हूं। सर मेघना का फोन उसकी कब्र के पास। सर वो देखिए। ए कौन हो तुम? मेघना। मगर सर ये कैसे हो सकता है?
सर ना सर यहाँ पर ये बात है। एक काम करो तुम ये मोबाइल ब्यूरो लेके जाओ एसीपी सर के पास। तब तक मैं देखता हूँ इस मेघना का राज क्या है। जाओ। ये मेघना का फोन उसकी कब्र के पास और मेघना की आत्मा कब्रस्तान। मयूर तुम क्या कह रहे हो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? सर जो देखा वही बता रहा हूं। मैं भी वहीं पर मौजूद था। ये क्या चक्कर है सर? जी ये सारा चक्कर क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब मेघना दया से मिलेगी। तब तक तो हमें उस बैंक के नोटों के बारे में पता लगाना चाहिए। सर बैंक के ऑफिशियल्स नोटों को ट्रेस कर रहे हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा। वही तो श्रेया टाइम ही नहीं है हमारे पास। अब तो सिर्फ 6 घंटे बचे कोर्स शुरू होने में। सिर्फ 6 घंटे। हाँ मैंने सर अकाउंट किसका है पता चल गया। गुड किसका है? क्या आर यू श्योर? देखिए मैंने सर उस अकाउंट की डिटेल स्कैन करके हमारे ब्यूरो में भेजिए अभी। इस बाजी के गुलाम जो तुम हो। कौन हो तुम? मेघना। क्या चाहती हो? अपनी मौत का बदला। वो तो तुम्हें मिल चुका है। मां गुरु की मौत हो चुकी। हाँ लेकिन एक बदला अभी भी बाकी है। क्या? क्या हुआ अभिजीत? सर वो अकाउंट की डिटेल्स पता चल गई है सर। वो तो उसी आदमी का होगा ना अकाउंट जिसने वो गन खरीदी थी गंसू से। यस सर। लेकिन लेकिन कौन है वो? सर वो मतलब वो बैंक मैनेजर डिटेल्स भेज रहे हैं सर आप खुद देख लीजिए। बताओ गंसू किसने खरीदी थी वो गन तुमसे? कैसे दिखता था वो? साहब लंबा चौड़ा आदमी था 6-6.5 फीट इतनी बड़ी छाती और भारी आवाज। जरा देखो इनमें से कौन है। ये नहीं साहब नहीं साहब नहीं साहब यही है साहब यही है साहब 100% यही है साहब यही है साहब। ऐसा हो ही नहीं सकता अभिजीत दया ऐसे कर ही नहीं सकता ये बहुत बड़ी साजिश। अभी तक आश्रम के सारे लोग केडी केडी का नाम ले रहे थे कि दया कहां से बीच में आ गई। वही तो जया काम करो ये आश्रम के जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं सबको लेकर आओ सबको। और अभिजीत दया को फोन करो बुलाओ उसे। अभी दया का फोन बंद आ रहा है सर पता नहीं दया कहाँ है। वही तो समझ में नहीं आता कहाँ गायब हो गया ये। दया कहाँ है
कहां गया? ये गन केडी ने नहीं खरीदी थी, तो बताओ असली बात क्या है, बताओ जल्दी बताओ। सर अब तो पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है सर, अब हम सब सच सच बोल देंगे सर। तो फिर बताओ। सर कहानी वही, बस फर्क इतना है कि केडी की जगह दया है। दया ने महागुरु से रिश्वत ली थी ताकि वो उन्हें खून के इल्जाम से बचा सके, और बाद में पैसों की लालच में दया ने ही महागुरु का खून कर दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर। झूठ। सच बोल रहा है सर, वो सब सच बोल रहा है सर। केडी के अकाउंट में वो 5 करोड़ रुपए कहां से आए फिर? केडी ने जब महागुरु का केस जीता तो उसे खुश होकर महागुरु केडी को एक ब्लैंक चेक देना चाहते थे, जिस बात की केडी को खबर नहीं थी। सर दया के कहने पर मैंने उस चेक में 5 करोड़ रुपए भरे थे, जो बाद में मैंने केडी के अकाउंट में डाल दिए। सर केडी नहीं, इन सब के पीछे आपकी सीआईडी का दया है सर। सर झूठ बोल रहे हो तुम लोग। आई होप जस्टिस बलसारा, आप बिल्कुल सही जजमेंट करेंगे केडी के खिलाफ। एंड आई होप मिस्टर चंद्रकांत आप दोबारा फोन नहीं करेंगे। आपको जहां पहुंचना है पहुंच जाइए, लेकिन फिलहाल मुझे अदालत पहुंचने दें। गुड बाय। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सर अब कार्रवाई क्या शुरू करें, अब तो बस बंद करना है, आपका फैसला सुन। पिछली अदालत में मिस्टर पाठक के खिलाफ पूरी कहानी बयां हो गई, अब तो बस आपका फैसला बाकी। मिस्टर पाठक आपको कोई आखिरी दलील पेश करनी है अपने पक्ष में? दलील प्रस्तुत करने का कोई लाभ नहीं होगा यार, सीआईडी इंस्पेक्टर दया के बिना मेरी दलील अधूरी रह जाएगी। इसी कारण मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। दया कहां? योर ऑनर, दया से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा, लगता है वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए इस मामले के तय तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अदालत के पास किसी के लिए मोहलत का वक्त नहीं होता। आपको यहां आने से पहले अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए थी। मिस्टर भिड़े इज करेक्ट। मैंने जो फैसला ले लिया है उसे सुनाने जा रहा हूं। यस सर। लीजिए, आ गए आपके इंस्पेक्टर दया। योर ऑनर, मैं दया से कुछ बात करना चाहता हूं अकेले में। ये कोर्ट रूम है, कोई प्राइवेट डिस्कशन नहीं। आपको जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहिए। आपने क्या तहकीकात की है, अदालत सब कुछ जानना चाहती है अभी। योर ऑनर, जो गन हमें केडी के हाथ में से मिली थी वो गन केडी ने नहीं लाई थी, बल्कि दया ने लाई। वो गन जो घनशू से खरीदी गई थी और जिससे महागुरु को मारा गया। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर दया,
ये सब लोग जो कह रहे हैं क्या सच है कि केडी नहीं वो तुम ही थे जो महागुरु से पैसे लेकर उन्हें बचाने के लिए ये खेल रचा था, और जब पैसों को लेकर मतभेद हुआ तो तुमने उन्हें जान से मार दिया? जी सर सब सच सब सच। मैंने ही महागुरु को मारा, मैंने ही महागुरु को मारा, और उसके बाद वो गन बेहोश पड़े केड़ी के हाथ में पकड़ा कर मैंने खुद बेहोश होने की एक्टिंग की सर, ताकि मेरी जगह वो पकड़ा जाए, और मेरे ही कहने पे योगेंद्र ने केडी के अकाउंट में वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। दया ये क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर अभिजीत प्लीज सिट डाउन। मैं आप सबका गुनहगार हूं, जो भी सजा मुझे मिलनी चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूं सर। इंस्पेक्टर दया के इकबाल जुर्म के बाद इस अदालत के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि महागुरु आत्मानंद के कत्ल के इल्जाम से केडी पाठक को बाइज्जत बरी करके और उनकी जगह इंस्पेक्टर दया को हिरासत में लिया जाता है। और अगले मुकदमे में उनकी हाजिरी हो, और साथ ही साथ सर्वेश और किरण को बार बार अदालत में झूठी गवाही देने के लिए उन्हें अदालत हिरासत में रखने का आदेश देती है। कोर्ट डिसमिस। बधाई हो मिस्टर पाठक, मैं तो शुरू से ही जानता था कि हम वकील कभी किसी का खून कर ही नहीं सकते। क्या यार, क्या सच क्या है, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? I'm sorry यार। सॉरी सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं होती यार। मालूम है तुमने क्या किया है? क्या दया की बात पे मुझे यकीन नहीं है, किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है वो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर क्यों, किसके लिए कर रहा है दया ये, क्यों? दया मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, अदालत में तुमने झूठ बोला, इल्जाम तुमने अपने सर लिया है। और बात क्या है, क्यों अचानक सर्वेश और योगेंद्र ने मुझे छोड़कर तुम्हें इसमें फंसाया? बोलो। केड़ी मुझे जो कुछ बोलना था मैंने अदालत में बोल दिया। अब ये केस अपने हाथ में लेकर तुम अपना वक्त जाया मत करो। झूठ मत बोलो दया, सच सच बताओ बात क्या है, मेरे लिए नहीं तो इसी भी सर के लिए। कमॉन दया। चाहे तुम कितनी बार भी पूछ लो केड़ी, मेरा जवाब वही होगा, मैं नहीं मारा महागुरु को। That's it। जलवाबा। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर अदालत में मिलूंगा तुमसे। Mm.
मेरे शरीर में एक हिडन माइक्रोचिप है जिससे वो सब कुछ सुन रहा है। तुम्हारा अंदाजा सही निकला है, चाहे यहाँ पे किसी की नजर है, इस वजह से वो अपनी मजबूरी नहीं बता पा रहा था। हाँ, लेकिन हम पता लगा सकते आज रात को जंगला बाहर जाते। मेघना मेरी जुड़वा बहन, लेकिन यू नो हम लोग फिर जमती नहीं थी। वो देवी थी और मैं। मेघना का फोन तुम्हारे पास कहां से है? क्यों ले रही हो उसकी जगह तुम? कभी हमारी मदद करती हो, कभी गुमराह करती हो, ये क्या क्या खेल खेल रही हो? सारे सवालों का जवाब ना एक ही है, पैसा। 5 करोड़ रुपए, मतलब एक 20,000 रुपए महीना कमाने वाली बार डांसर के लिए 5 करोड़ रुपए बहुत होते हैं ना। और वैसे भी मेरी बहरी अपनी बहन से तो बिल्कुल जमती नहीं थी, हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए पैसों के एवज में मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। मुझसे कहा गया था कि CID वालों को ना थोड़ा उलझा के रखो, मतलब मेघना मर गई है, जिंदा है या फिर भूत। ये बताओ कि दया को क्या कहा, क्यों दया ने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लिया? बता दो, बांद्रा में ना एक अनाथालय सेंट सेबेस्टियन, और वहां पर ना बॉम्ब, तो क्या है ना कि एक बटन दबाने से 400 बच्चों समेत बूम। मैंने तो दया से सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो तो फिर सारा इल्जाम अपने सर पर। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानू तो तुम बच्चों को मार दोगी? अकेले ये सब नहीं कर सकती, तुम्हारे पीछे दिमाग कोई और ही है। सही कहा तुमने, चलो तुम्हारे चीखने से ये तो साबित हो गया कि तुम इंसान बनो। वो जो भी है इस सब के पीछे मैं हूं, और तुम्हारे गले के पीछे एक माइक्रोचिप इंजेक्ट किया गया है जिससे हम तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी होशियार ही नहीं, वरना जिस तरह मैंने लिफ्ट उड़ाई थी उस तरह तुम्हारा अनाथालय। कौन था वो आदमी? देखो मेघना, हमारे पास टाइम नहीं है और ना सबर है, जल्दी बताओ वरना। बताती हूँ, वही जिसने महागुरु को मरवाया 900 करोड़ रुपयों के लिए। अजीत, ऐसे नहीं बताएगी, गोली चला दे। अभिजीत क्या हुआ? जहर जो मैंने तुम दोनों की ड्रिंक में मिलाई थी जलवा बार में। इसलिए तो मैं तुम लोगों को यहां पर आई हूं सारी कहानी
कि तुम लोग सुकून से मर सको, एकदम आराम से। हा? मेरे बॉस को पता चल गया कि तुम लोग आने वाले, इसलिए उन्होंने दया की बॉडी में रिकॉर्डर और उसके सेलफोन में वीडियो कैमरा फिट किया। क्यों हैरान हो गए ना मेरे बॉस की पहुंच देखकर? वैसे तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे बॉस से? इस कहानी के मास्टरमाइंड से? देखो मरने वालों की मतलब मरने वालों की आखिरी इच्छा तो मैं पूरी कर ही सकती हूँ ना। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। बॉस मेरा काम खत्म। तो तुम भी खत्म। बंदूक। अगर तुम लोग इस फील्ड के बादशाह हो तो मैं इक्का हूं। कौन हो तुम? इस खेल का कर्ता धर्ता मैं हूं। महागुरु को मैंने मारा, उसका सूत्रधार। चलो मैं तुम दोनों को पूरी कहानी सुनाता हूं, नहीं तो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मुझे सताएगी। ये कैसे हो गया, क्या हो गया? महागुरु मेरे लिए काम करता था, वो मेरे अरबों खरबों के काले धन को हेरा फेरी करके बचाता था, लेकिन अचानक उसका जमीर जाग उठा। वो मेरा काम छोड़ना चाहता था और हिमालय में जाना चाहता था। उसी समय अचानक उसके हाथ से मेघना की मौत हो गई। मैंने उसको बचाने के लिए एक कहानी बनाई जिसका श्रेय सबसे पहले केदी को जाता है, फिर दया को। महागुरु ने वादा किया था कि अगर मैं उसे बचा लूंगा तो वो गद्दी नहीं छोड़ेगा और मैं राज करूंगा, लेकिन वो बाहर आते ही कमीना बदल गया और केडी और सीआईडी को उसने सच्चाई बताने की कोशिश की। तो मैंने योगानंद के साथ मिलकर उसके आश्रम के वॉल्ट की केस में अपना नाम लिखवा दिया और रात भर तीनों के बेहोश होने का इंतजार करने लग गया। तुम लोगों को जिंदा नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे मेरे काले धंधे के कारोबार को बिगाड़ते रहोगे। इसलिए मैं तुम लोगों का सफाया कर देना चाहता हूं। इस खेल का आखिरी दाम। ये सिलेंडर देख रहे हो, इसमें एक ट्यूब है जिसमें एंटीडोट है जो तुम्हारे शरीर में तेजी से जहर फैल रहा है, उसके लिए ये एंटीडोट। और अफसोस ये सिर्फ एक आदमी के लिए, दोनों में से कोई एक बच सकता है। अब ये आप दोनों को फैसला करना है कि कौन जीना चाहता है और कौन मरना चाहता है। ये एंटीडोट असली है, तुम्हारे जैसे मक्कार का क्या भरोसा? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं। इसमें एंटीडोट है, पर इस किंग स्कॉर्पियन से सावधान रहिएगा, इसके काटने का वही एंटीडोट नहीं है मेरे। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सीआईडी तुम्हारे फोन को ट्रेस करके तुम लोगों को बचा ले, नहीं, तुम लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मैंने वो फोन समंदर में डाल दिया। जल्दी करो, कहीं जहर तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया ना तो गुड बाय गुड बाय गुड बाय। एक बंदा
बचेगा वो दूसरे को अस्पताल लेकर जाएगा। मैं निकालने की कोशिश करता हूं। स्कॉर्पियन एंटीडोट निकालने नहीं देगा, स्कॉर्पियन को बाहर निकालना पड़ेगा। स्कॉर्पियन की विदाई कर देते हैं। सवाल के जा भाई, जिंदा छोड़ा होता पूरी कहानी नहीं बताता। अगर जिंदा रहना है तो यहां से तो बाहर निकलना पड़ेगा। जीत एंटीडोट नहीं, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब हमारे काम आएगा। अब इनकी मौत का मंजर दूर से देखेंगे। कहीं ये लोग बच न जाए, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इन दोनों को भी हेलना की तरह गोली मार देनी चाहिए थी, तब ना सही आप।
जरा चेहरा। तो आप हैं असली बिच्छू जस्टिस बलसारा? मैं जस्टिस बलसारा नहीं, मैं कार्लो इंटरनेशनल माफिया का डॉन, महागुरु का बॉस। तो असली जस्टिस बलसारा कहाँ है? जस्टिस बलसारा को हिंदुस्तान में कोई नहीं पहचानता, इसलिए हमने उसे किडनैप कर लिया और उसकी जगह में हम आ गए अदालत में और जज की कुर्सी पे बैठे, पूरी बाजी खेली, निशाना कभी केडी पे और कभी सीआईडी पे। लेकिन अब निशाने पे तुम हो कार्लो, गेम ओवर, केस क्लोज्ड। थैंक यू केडी, आपके बिना ये केस सॉल्व करना ज़रा मुश्किल होता, और अगर सीआईडी की मदद नहीं मिलती मुझे तो ये केस सॉल्व करना मेरे लिए असंभव। यानी जब सीआईडी और केडी की ताकत एक हो जाएगी तो होगा आतंक का अंत और दुश्मन का सफाया। थैंक यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।